जी बताएं भिंडी तो प्याजा की रेसिपी इतना टेस्टी कि वो लोग लाजवाब नहीं। तो चलिए हमारे से मेरे वो सबनी के स्वागत बा। चलिए भिंडी तो प्याजा बनाए खाती पहले भिंडी के मुलायम होखल जरूरी बा। मुलायम मुलायम भिंडी के अच्छा से धो के और सुखा ले ताकि पानी सूख जाए तो कटे में खराब मतलब चिपचिपाहट ना हो। उसके बाद प्याज ले ले हम, प्याज के भी अच्छा से कटिंग कर ले हम। तो चलिए भिंडी और प्याज के कैसे काटे के बाद वो लोग बताते हैं। चलिए भिंडी और प्याज के अच्छी से तरीके से काट ले बनी। तो देखिए भिंडी के हम अच्छा से काट के अभी से हल्का सा चीरा लगा दे बनी ताकि अंदर तक रहे हल्का फ्राई हो जाए। उसके बाद प्याज के इस तरीके से काट के थोड़ा सा रख ले हम, जैसे अंदर के छोटा छोटा टुकड़ा में काट ले हम, बड़ा साइज के निकाल ले हम। तो चलिए भिंडी के अच्छा से फ्राई कर लिया। भिंडी फ्राई करे खातिर तेल के हम पहले से बैठा दे बन जो अच्छी तरह से गर्म हो गई बा। अब इसमें हम पहले डाल दे हम भिंडी। भिंडी के हल्का सा हमें के भून लेवे के बाद तेल में फ्राई कर लेवे के बाद पूरा भिंडी के लाल नीचे करे के हल्का सा आधा कच्चापन मिट जाए उस तरीका से हमें के फ्राई कर ले हम भिंडी के तेल में चलाते हुए भिंडी के बराबर फ्राई करें ताकि बराबर भिंडी फ्राई हो जाए। भिंडी हमें के देखिए आधा लाल हो गई बा। तो इसमें डाल दें हम हमें के प्याज। प्याज के 2 से 3 मिनट ज़्यादा नीचे फ्राई करे के और उसके बाद निकाले बेचे बा। भिंडी के साथ ही हल्का सा फ्राई कर ले बेचे बा। चलिए तो प्याज भी हम नीचे भिंडी के साथ फ्राई हो गई। अब एक के तेल के साथ हल्का निकाल लेवे के बाद तेल निचोड़ निचोड़ के, अब तेल के साथ ना मतलब कि तेल निचोड़ निचोड़ के किनारे किनारे करके ताकि तेल हम नीचे निकल जाए। चलिए तो हमने के भिंडी निकाल ले लीजा। अब इसी तेल में डाल दे हम जा हमने के खड़ा जीरा। अब फिर डाल दे हम कटा हुआ प्याज, बारीक बारीक कट के प्याज डाल दे हम एक बड़ा साइज में। अब हल्का साइज रखे लाल होते दे हम प्याज के चलाते हुए लाल करम ताकि प्याज बराबर लाल हो जाए। चलिए तो प्याज देखिए हमें के लाल हो गई बा। अब इसमें डाल दे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट और थोड़ा सा भून ले हम ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। और आँच के मीडियम कर दे हम मसाला भूनने के समय आँच के मीडियम कर दिया ला। अब इसमें डाल दिए मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर और सबसे ज़रूरी चीज़ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि हमने के प्याजा में थोड़ा सा कलर आए। अब सभी मसालों में टमाटर डाल के एक बड़ा साइज के मसाला के अच्छा से फ्राई कर लिया। टमाटर डाल दें हम तो मसाला में क्या होगी कि पानी छोड़ दिए, उसके बाद मसाला अच्छा से फ्राई हो जाए। अब स्वाद अनुसार नमक मसाला के भूनते ही वक्त डाल दिया ला। अब हल्का सा पानी हम डाल दें हम और उसके बाद मसाला के अच्छी तरीके से भून दिया। मसाला का थोड़ा सा कवर कर करके भुनल जाए ताकि हमने के मसाला अच्छा से फ्राई हो जाए। चलिए तो देखिए हमने के मसाला ढक ढक के फ्राई कर ले बनी जा। एक के चलाते हुए भी के ढक दे हम रोज चलाते हुए ही फ्राई करब ताकि मसाला चिपके ना, आराम से फ्राई हो जाए और मसाला जितने भुनाए उतना टेस्ट एकर अलग हो जाए। तो मसाला के चलाते हुए फ्राई कर लेवे के बाद हल्का ढक ढक के ताकि तेल हमने के मसाला जल्दी छोड़ दे। चलते चलाते हुए हमने के मसाला फ्राई कर ले भैया। अब इसमें डाल दिया हमने के प्याज और भिंडी के जो हमने के फ्राई के ले रही है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर ले आई क्योंकि हमने के भिंडी पहले से फ्राई बा। इसमें डाल दें हम थोड़ा सा सौंफ के पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब अच्छी तरह से भिंडी या तो प्याजा के फ्राई कर लिया। अब इसमें फ्राई के ले के बाद हल्का सा पानी डालम, ज़्यादा पानी ना डालम और इसके ढक के कुछ देर खातिर छोड़ दे हम। चला के और ढक दे ही 5 से 10 मिनट खातिर आराम से छोड़ दिया। चल तो हमने के देखल जाओ भिंडी दो प्याजा के रेसिपी हमने के बहुत टेस्टी बनल बा। तो चलिए गैस के अब बंद करता नहीं और निकालता नहीं बर्तन। चलिए तो भिंडी दो प्याजा हमने के बन के रेडी हो गए। तो रउआ लोग को बताएँ जे कि कैसन बनल और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करम, वीडियो के लाइक जरूर करम अगर अच्छा बनल हुई। तो
तो फिर आई एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। रुआ लोग भी बनाइए, रोटी पराठा पूड़ी जो भी के साथ इंजॉय बहुत अच्छा से करिए। फिर आई एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर वो सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद।